तो जैन साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, फाइनली आपके लिए न्यू भर्ती आ चुकी है केवीएस के रिगार्डिंग, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। आपको पता है आपके ऑल ओवर इंडिया ये स्कूल्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी ऑल ओवर इंडिया। आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसीज हैं आपकी। अगर आप प्लस टू पास हो तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आप प्लस टू बेस पे फिलअप कर पाओगे, तो प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। आपकी सैलरी क्या होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है मेरे भाई बंधु को सैलरी पहले चाहिए होती है, तो प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइज, बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, 13,400 टोटल पोस्ट है आपकी केवीएस के रिगार्डिंग। ये भर्ती आई है आपकी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो आपके सेंट्रल स्कूल होते हैं ऑल ओवर इंडिया। और अप्लाई डेट के बारे में बात करूँ मैं, 5 दिसंबर से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर पा रहे हैं और जो आपकी लास्ट डेट है 26 दिसंबर है। ठीक है, मतलब आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट अभी हो रखे हैं, आप जाके भर सकते हो आराम से। अगर बात करें फीस के बारे में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 1,000 रुपये फीस है। एससी एसटी यहाँ पे कोई उनकी फीस नहीं मांगी गई है, आप इस फॉर्म को फ्री में फिलअप कर सकते हो एससी एसटी वाले। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं पीआरटी में, प्राइमरी टीचर्स के लिए आपकी जो एज लिमिट है 18 से 30 साल होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो पीजीटी का, तो आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कि 18 से 35 साल के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाला, एलडीसी वाला, तो आप भाई आपकी जो एज लिमिट है 18 से 27 साल होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं पोस्ट के बारे में। गाइस यहाँ पे देखिए भाई, जो आपकी सबसे अच्छी पोस्ट है, अगर आप प्लस टू पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इजिबल हो। पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, 702 डिफरेंस यहाँ पे देखिए, 702 टोटल पोस्ट है आपकी, 702 एलडीसी की पोस्ट है आपकी ये। और गाइस ध्यान दीजिए, अगर आप प्लस टू पास हो, आप अगर प्लस टू पास हो साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे गाइस अगर बात करें सैलरी के बारे में, पीआरटी की अगर बात करूँ मैं प्राइमरी टीचर की सैलरी के बारे में, 45,000 आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी। अगर बात करें टीजीटी में, 50,000 आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी भाई, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है आपकी ये। अगर बात करें गाइस आगे आपकी वैकेंसीज के बारे में, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है आपकी। अगर आप प्लस टू पास हो साथ में आपको स्टेनो का ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप फिलअप कर सकते हो स्टेनोग्राफर में। आगे आपकी पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, यूडीसी की अपर डिवीजन क्लर्क की, आपकी 322 पोस्ट है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म आप फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। आगे जो भाई पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, काफी अच्छी वैकेंसीज है, 156 टोटल पोस्ट है आपकी। अगर आप दोस्तों डिग्री आपके पास है, आपने बीएससी बीटेक कर रखा है, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। पीआरटी की वैकेंसी जो भाई 6,414 पोस्ट है आपकी प्राइमरी टीचर की। अगर आप प्लस टू पास हो आपके पास, अगर आप सीटेट पास हो, प्लस टू पास हो साथ में आपने जेबीटी बीएड कर रखा है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हो पीआरटी वाला। तो भाई वैकेंसीज बहुत ही अच्छी हैं आपकी। ठीक है, तो आपको फॉर्म पक्का फिलअप करने है। और ध्यान दीजिएगा, आपको जेएसए वाला फॉर्म, ये देखिए एलडीसी वाला फॉर्म पक्का आपको फिलअप करना है, काफी अच्छी वैकेंसी चाहिए। आगे हम बात करें आपकी फ्रेंड्स, आपकी सैलरी के बारे में आपको बता दिया है। आपका जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका ये रहने वाला है। पीआरटी में बात करूँ मैं, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। पार्ट वन में आपका जनरल इंग्लिश एंड हिंदी आएगा, 10-10 नंबर का, मतलब 20 मार्क्स का टोटल। और पार्ट सेकंड में आपका 130 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जीके आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है, पेडालोजी 20 मार्क्स का है, और गाइस कंसर्ट सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का। सर वो क्या होता है गाइस, इसमें आपका साइंस, मैथ और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो 80 मार्क्स का आपका ये सब आएगा। ओके, टेंशन वाली कुछ बात नहीं, पेपर आपका काफी इजी आता है, आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, आपको बस तैयारी करनी है अपने। आगे हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी में, आपका भाई जनरल इंग्लिश यहाँ पे 10 नंबर का रहेगा, हिंदी 10 नंबर का है, पार्ट सेकंड में 130 मार्क्स का पेपर आपका सेम होगा, जीके 40 है, रीजनिंग 40 है, पेडालोजी 40 नंबर की है, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 130 यहाँ पे आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सैलरी मैंने आपको बता दी गाइस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है ये, इसको आपको पक्का फिलअप करना है गाइस। देखिए ध्यान दीजिएगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की प्लस टू पास अगर आप हो, आपके पास टाइपिंग स्पीड है थोड़ी बहुत, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म को पक्का फिलअप कीजिएगा। सैलरी आपकी देखिए गाइस, ये जो आपकी पोस्ट है जीएसए वाली, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली, लेवल 2 की जॉब है, जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट सैलरी है 35 से 40 हज़ार के बीच में रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, पोस्ट बहुत ही अच्छी है आपकी, प्लस टू पास हो, टाइपिंग की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप इसको पक्का फिलअप कीजिएगा भाई, पोस्ट बहुत ही अच्छी है आपकी। ठीक है,
तो गाइज आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं इंस्टा की आईडी भाई नीचे मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा जाके फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना कोई मत भूलेगा। टेलीग्राम का भाई चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है एक्सपर्ट नॉलेज के नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है, सब लोगों को जुड़ जाना है। वहाँ पे आपको भाई गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग मैं जानकारी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और आप सबको पक्का फॉर्म फिलअप करना है। वैकेंसीज बहुत ही अच्छी है, हमें बस एक पोस्ट चाहिए, 13,000 पोस्ट कोई और ले जाए, हमें बस एक पोस्ट चाहिए। तो भाई फॉर्म आपको पक्का फिलअप करना है, आपकी बार जॉब आपकी है। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन अच्छा रहे।